तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मोशन वाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी को खुशामदीद कहता हूँ। और मैं आया हूँ आफ्टर इफेक्ट्स के एक ब्रांड न्यू ट्यूटोरियल के साथ, तो नहीं आया लेकिन एक ट्यूटोरियल ब्रांड न्यू के पार्ट टू के साथ आया हूँ। तो अगर आपने इस ट्यूटोरियल का पार्ट वन नहीं देखा तो आपको इस ट्यूटोरियल में कुछ भी नहीं समझ आएगा और ना ही कोई फ़ायदा होगा, तो आप लोग पार्ट वन पहले देखें तभी आपको जाके ये पार्ट टू समझ आएगा। तो पार्ट वन के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप लोग पहले उसे देखें। और अगर आपने वो ही देख के यहाँ पर आए हैं तो आप लोगों को वेलकम। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको इस कम्प्लीट एनिमेशन को हम लोग कम्प्लीट कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो काफ़ी हद तक हमने इस टेम्पलेट को बना लिया था और काफ़ी हद तक बनाएंगे। और अभी मैं सबसे पहले अपनी प्रमोशन करूँगा, सस्ती प्रमोशन। सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पर लाइक कर दें, फॉलो कर दें इंस्टाग्राम पर, और जहाँ जहाँ करना चाहें जो जो करना चाहें कर सकते हैं। मेरे सोशल मीडियाज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के और शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले ट्यूटोरियल में यहाँ तक बनाया था, तो मैं अभी वहीं पर बैठा हुआ हूँ, टाइम भी वही जिससे मैंने पिछला ट्यूटोरियल क्रिएट किया था। तो जस्ट ट्यूटोरियल लेंथ ही ना, तो इसलिए से दो पार्ट में कट कर दिया, कोई बड़ा मसला नहीं है। तो अभी हम लोग लोगो बम्प में आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सेटिंग देखी, तो वो हमें चेंज करनी होगी। तो जो ये हमारी ऊपर वाली लेयर थी जिसके हमने लेयर स्टाइल हमने ऐड किया था, इसकी हम सॉफ्टनेस को यहाँ से 25 कर देंगे और इसकी जो हाइट है इसे 50 कर देंगे। तो इससे होगा सिर्फ ये कि हमारे पास ऊपर ये जो है यहाँ पर एक छोटा सा, आई थिंक अगर आप देख सकते हैं तो कट सा आ जाएगा, लेकिन तो ये खास इतना फ़र्क यहाँ पर नहीं बता रहा, लेकिन ये आ जाएगा जिससे अच्छा रहेगा। और इसकी कट अगर कोई जीरो कर देंगे, मीन जीरो, और इसकी सॉफ्टनेस को बढ़ा देंगे 75+7। ओके, तो कोई ख़ास इससे फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ये मैंने प्रीव्यू जो मैंने बनाया था उसकी सेटिंग देखी, तो मैंने बोला आपको वैसे ही बता दूँ तो आपके पास जो रिज़ल्ट है वो सेम है। तो हम लोग अभी हमारे मेन कंपोजिशन में आएंगे, वो कहता है लोगो मैन टू, और इससे हम लोग जो हमारे बाकी कंपोजिशन है इसे डिलीट कर देंगे। हमें ये कंपोजिशन नहीं चाहिए, हमें जस्ट लोगो एनिमेशन वाला कौन इसमें चाहिए। तो मैंने वो आपसे डुप्लीकेट क्यों करा है वो मुझे भी नहीं पता, जस्ट करा दिया था सेफ्टी के लिए। तो हम लोग ये भी इसके लिए इसके लिए हमारा मेन कंपोजिशन है लोगो एनिमेशन वाला, इसे हम लोग 3D कर देंगे और इसे एक मतलब पहले से डुप्लीकेट कर लेंगे। और इससे हम लोग इसके ऊपर एक इफेक्ट अप्लाई कर देंगे जिनके नाम से रिफ्रेस कर ब्लैक कर देंगे, और इसका हम लोग नाम रख देंगे लोगो SHADW लोगो शेडो। तो आपको जो रखना जाए लग सकते हैं। और इसके ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे CC रेडियल ब्लर अप्लाई करके इसके हम लोग थोड़ी सेटिंग कर देंगे, इसे फेडिट जूम कर देंगे, टाइप को इसके अमाउंट को कर देंगे आई थिंक 60 और आई थिंक 55 ओके 55 ओके। और इसकी ट्रांसपेरेंसी अगर हम कम करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं 75, अदरवाइज ओके है ऐसे भी, और ये भी 3D है। और उसके बाद हम लोग डुप्लीकेट करेंगे इस लोगो वाले को न्यू एक मतलब और उसके बाद भी उससे पहले हम लोग ये कैमरा इफेक्ट कैमरा क्रिएट कर लेंगे जो कि मेन है इस एनिमेशन में। कैमरे को हम लोग कर देंगे 35mm और ओके। और इस कैमरे की हम लोग अभी पी के ऊपर क्लिक करके पोजीशन के ऊपर की फ्रेम कर देंगे और एंड पे की फ्रेम कर देंगे। तो एंड पे हम लोग इसे थोड़ा सा और छोटा कर देंगे, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा छोटा जस्ट। और जो फर्स्ट वाला की फ्रेम होगा इसे हम लोग ऑल द वे अप कर देंगे जहाँ पर हमारा लोगो कुछ इतना बड़ा दिख रहा होगा, लाइक -150 यहाँ तक ओके। तो अभी हम इन दोनों की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके F9 प्रेस करके ईजी यूज़ कर देंगे, और ग्राफ एडिटर में आके राइट क्लिक करके एडिट स्पीड ग्राफ को क्लिक करके इसके ग्राफ को कुछ इस तरीके से बना देंगे। तो जस्ट पहले शुरू में थोड़ा हाई, उसके बाद थोड़ा स्लो, तो इसे मैं हाफ कर देता हूँ ताकि जल्दी से चीज़ें मिल जाए। तो ओके है। तो अभी हम लोग
एक न्यू नल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, राइट क्लिक न्यू नल ऑब्जेक्ट, फिर इसे हम 3D कर देंगे। तो 3D करने के बाद इसके हम लोग इसको कैमरे को 3D नल से पेरेंट कर देंगे। तो 3D की अगर आपके पास स्विचेस नहीं है तो आपने 4 कीबोर्ड से प्रेस कर लेना है, तो आपके पास स्विचेस के बटन वो आ जाएंगे। तो हमने इसके जी रोटेशन के ऊपर एक की फ्रेम कर देना है, जिससे हम लोग पहले की फ्रेम पर ले आएंगे, पहले पर नहीं आई थिंक 3rd तक लाएंगे। 3rd पर इसको 0 करेंगे और शुरू में इसे हम लोग -15 कर लेंगे। यहाँ पर अगर आप करना चाहें ज़्यादा रोटेशन तो 20 भी कर सकते हैं, अदरवाइज प्रीव्यू में 15 था, तो मैं इसे 15 ही रहने दूंगा और इन दोनों को सेलेक्ट करके F9 से इजी करके इसके ग्राफ को भी सिमिलर कर दूंगा। तो अभी हमारे पास सिमिलर एनिमेशन आ जाएगी जो तो मेन थी, तो काफ़ी अच्छी एनिमेशन लगने लग गई है अभी से, क्योंकि एनिमेशन का सारा कमाल है। तो उसके बाद हम लोग एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट कर लेंगे, जिसके ऊपर हम लोग कुछ इफेक्ट अप्लाई करेंगे जिससे ये काफ़ी अच्छी लग जाएगी। राइट क्लिक आप लोग लेयर न्यू एडजस्टमेंट लेयर यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, और कंट्रोल ओल्ट और वाई की से भी एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट कर सकते हैं। उसके ऊपर एक हम इफेक्ट अप्लाई करेंगे जब से पहले, जिसका नाम है ऑप्टिकल कंपनसेशन। तो इसको हम लोग सेटिंग करेंगे, इसकी जो रिवर्स लेंस डायरेक्शन इसके भी हम लोग क्लिक कर देंगे, और आई थिंक हमें 1 सेकेंड तक ही इसमें एनिमेशन देनी चाहिए। हम फील्ड ऑफ व्यू के ऊपर एक क्लिक कर की फ्रेम कर देंगे, और शुरू में इसकी फील्ड ऑफ व्यू को लाइक आई थिंक 75 था या 100 था, दो आई थिंक 75 का नहीं था, 150 होगा, मुझे अभी याद भी नहीं है। हाँ 150 आई थिंक ओके है, तो भी कुछ इस तरीके से होगा 150 ओके। तो आप लोग 150 करके 1 सेकेंड तक या 1 सेकेंड और 15 फ्रेम तक इससे ऑप्टिकल कंपनसेशन को दे सकते हैं। तो इसे आप लोग इसे भी 115 तक आप इसे 0 कर दें, और पहले इसे 150 कर दें, तो 1 सेकेंड और 15 फ्रेम पर इसे आप लोग 0 कर दें, और शुरू वाले 0 फ्रेम पर इसकी जो वैल्यू होगी वो 150 होगी या 150 होगी, ओके 150। तो हम इसका भी ग्राफ भी एडिट स्पीड ग्राफ पे आपने क्लिक कर लेना है, अगर आपके पास वैल्यू ग्राफ है, राइट क्लिक करके ग्राफ एडिटर में आके तो आपने अभी जस्ट इसे कुछ इस तरीके से कर देना है। तो आई थिंक बहुत जल्दी हो रहा है, तो आपने जस्ट ओके इस तरीके से कर देना है, तो काफ़ी ओके लग रहा है, काफ़ी ठीक लग रहा है, और हमारे ये लेंस फेयर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो हमने अभी जो ये एक ये हमने ये लोगो ए वाले को डुप्लीकेट किया था, इसके ऊपर हम लोग अभी कुछ इफेक्ट अप्लाई करेंगे। उसके पहले हम लोग इसके ऊपर एक और इफेक्ट अप्लाई करेंगे हमारी एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर, जिसका नाम है सीसी रेडियल ब्लर ही लाइट हम लोग, हाँ रेडियल ब्लर ही। आप लोग हम इसकी सेटिंग को स्ट्रेट जूम कर देंगे, स्ट्रेट जूम में स्केच, फिर अदरवाइज स्केच छोड़ कर हम लोग लेंस द्वारा इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। लेंस अंदर सीसी लेंस आई थिंक रेट में देखूँ लेंस ब्लर है जी, हाँ कैमरा लेंस ब्लर है, सीसी लेंस ब्लर नहीं। तो इसके हम लोग गेम के ऊपर आई थिंक की फ्रेम करेंगे तो हमारे पास आएगा ब्लर रेडियस, ये ब्लर रेडियस हम लोग इसके पहले कर देंगे जिसमें आपने करना हो। आप लोग देख सकते हैं पहले जैसे कि 25 ओके है, और इससे हम लोग इसका गेम कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आई थिंक जब इसका प्रभूल भी है और इसकी शेप स्क्वायर ट्रायंगुलर कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ये सिंपल वही सीसी रेडियल ब्लर भी अप्लाई करते हैं। जैसे सॉरी फॉर ये कुत्ता जो पीछे भौंक रहा है, तो हम लोग इसके ऊपर अभी एक इफेक्ट अप्लाई करेंगे। पहले मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ जब तक ये कुत्ता चुप करे, तो कुत्ता भौंकना बंद हो जाए, थैंक्स टू कुत्ता जो भौंक रहा था, और मैंने थोड़ा सांस भी ले लिया उसके चक्कर में, तो मैं थोड़ा सांस हो जाता है, ज़्यादा बात करो तो डोंट केयर, तो सॉरी जो भी मैं बातें बोल रहा हूँ इसका कोई मतलब नहीं है। फिलहाल तो अभी मैं इसके ऊपर एक और इफेक्ट अप्लाई करेंगे जो कि हम ब्लर के लिए करेंगे, तो लेंस ब्लर भी कैमरा लेंस ब्लर भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज जो मैंने उसमें किया था वो था खाली रेडियल ब्लर। असल में मैंने अभी क्योंकि मैं असल में यार ये ट्यूटोरियल रिक्रिएट करता हूँ, तो मुझे इतना याद नहीं रहता इफेक्ट्स के बारे में और इनकी फ्रेम्स की ड्यूरेशन के बारे में, लेकिन आई होप मैं प्रॉपरली जो एनिमेशन इफेक्ट होता है उसे क्रिएट करके आपको समझा देता हूँ। मैंने यहाँ पर रेडियल ब्लर इफेक्ट अप्लाई किया था, तो इसकी स्पिन की जगह पे हम लोग जूम कर देंगे,
और जूम करने के बाद इसके हम लोग जस्ट अमाउंट के ऊपर कुछ की फ्रेम करेंगे, जैसे कि हमें अगर 150 तक चाहिए इसकी की फ्रेम या 2 सेकंड तक ब्लर चाहिए, लेकिन आई थिंक 1 सेकंड तक ही हमें ब्लर चाहिए, मन नहीं इनसे 150 तक ही करेंगे, क्योंकि हमने जो इसका की फ्रेम है वो भी 150 तक है, तो हम लोग 150 तक करेंगे। 150 से हम लोग इसे ज़ीरो कर देंगे, तो ज़ीरो से क्लियर हो जाएगा, और जो है शुरू में इसे हम लोग कर देंगे 50 और मे बी आई थिंक 60 आई थिंक ओके है, यस 60, और इसे भी हम लोग अपलाइन करके सेम चीज कर देंगे इसके साथ, थोड़ा सा इस तरीके से थोड़ा सा ओके 60 और 75 इसे आप लोग कर देंगे अगर करना चाहें, देख सकते हैं जितना आपको जूम चाहिए मतलब कि ब्लर चाहिए उतना आप लोग ब्लर दे सकते हैं। और अभी जो हमारा मेन काम रह गया है वो रह गया है जो मतलब कि फेबरिक सी थोड़ी सी ये लोगों के ऊपर से वो ग्लू आता है वो, तो उसके लिए मैंने पहले ही इस लेयर को डुप्लीकेट कर लिया था लोगो एनिमेशन वाले को, तो इसलिए हम लोग ब्लेंडिंग मोड को स्क्रीन कर देंगे। तो अगर आपके पास ब्लेंडिंग मोड ना आ रहे और फोर से ब्लेंडिंग मोड आपके पास शो हो जाएंगे तो उसके ऊपर एक इफेक्ट अप्लाई करेंगे पहले ग्लू, और इसे हम लोग सोलो कर लेंगे ताकि हमें ये दिखे कि इसमें हो क्या रहा है, कौन सा इशू आ रहा है। तो इसे ग्लो करने के बाद इसके ऊपर जो इसका ग्लो का थ्रेशोल्ड है इसे हम लोग जीरो कर देंगे, और इसका जो ये ग्लो इंटेंसिटी है इसे हम लोग 0.5-0.6 कर देंगे, 0.5 आई थिंक ओके है, और ग्लो का थ्रेशोल्ड जीरो ही लेने के फिलहाल, अदरवाइज फिर हम इसे सेट करेंगे बाद में। और इसके ऊपर हम सीसी रेडियल ब्लर इफेक्ट अप्लाई करेंगे, और इसके अमाउंट को भी हम लोग 75 कर देंगे, तो रेडियल ब्लर ये अभी कुछ इस तरीके से होगा, और हम इसके अभी टाइप को जब फेडिंग जूम करेंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके का होगा। तो जितना आप इसे जूम करना चाहें उतना कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे रिकमेंड करूँगा कि 75 पर ही करें, क्योंकि हमने इफेक्ट में इतना ही करना है, जो भी काफ़ी ज़्यादा ग्लो दे रहा है तो हमें ये नहीं चाहिए। तो हम लोग इसकी ट्रांसपेरेंसी यहाँ से 40 कर देंगे ताकि हमें ये थोड़ा दिखे, या फिर आई थिंक 50 में भी। और हम लोग अभी इसके ऊपर की फ्रेम करेंगे 2 सेकंड पर जाके इसका जो ग्रोथ थ्रेशोल्ड इसके ऊपर एक की फ्रेम कर देंगे, और इसका जो सेंटर है रेडियल ब्लर का इसके ऊपर एक की फ्रेम कर देंगे, और इसकी ट्रांसपेरेंसी पर एक की फ्रेम कर देंगे। तो हम जब यू प्रेस करेंगे तो हमारे पास सिर्फ 3 की फ्रेम्स आ जाएंगे। तो सेंटर पर भी हम एक पहले की फ्रेम कर देंगे, और अभी जो हमारा 2 सेकंड पर इसके सेंटर को थोड़ा सा मीन्स के इस तरफ कर देंगे, क्योंकि हमारा जो लाइट की रोटेशन आएगी वो कुछ इस तरफ आएगी, तो लाइट कुछ इस तरफ आएगी तो मतलब लाइट से ये इसका जो शेडो है वो उस तरफ चलेगा। तो थोड़ा बहुत आप लोग फिर अपने हिसाब से देखें ना आगे। उसके बाद हम लोग 10 सेकंड पर इसे बिल्कुल ही बंद कर देंगे, हमें नहीं चाहिए, इसका थ्रेशोल्ड फिर 10 कर देंगे, अदरवाइज अगर हम इसका थ्रेशोल्ड पहले 25 कर दें तब ये कैसा लग रहा है, तो अभी ये कुछ ज़्यादा ही कलरी लग रहा है, लेकिन हम इसका थ्रेशोल्ड जीरो करेंगे जब ये आउट हो रहा हो तो ये कुछ इस तरीके का लगेगा। और इसके हम लोग यहाँ से ओपेसिटी को भी आई थिंक 35 कर दें, काफ़ी ज़्यादा हो रही है ओवर आई थिंक, यहाँ पर इसको 10 करके देखते हैं, 10 से यह काफ़ी ज़्यादा ग्लोई लग रहा है, तो इसे हम लोग यहाँ पर 5 कर देंगे, तो इससे होगा ये कि थोड़ा सा इसका कलर जो होगा वो ब्लेंड करेगा इसके साथ। तो आई थिंक अभी ये यहाँ पर ओके है, अदरवाइज आप लोग देखकर अपने हिसाब से प्ले करके जो आपके लिए बेस्ट सेटिंग रहे, जो आपको अच्छी लगे आप लोग वो कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर इसको एक मतलब और डुप्लीकेट करूँगा जो कि हमारा एक और इफेक्ट है, तो उसे अप्लाई करने के लिए हम लोग इसकी व्यू पर क्लिक कर देंगे, और इसकी जो ये है ग्लो थ्रेशोल्ड यहाँ जस्ट थ्रेशोल्ड ही है, इसे हम लोग आई थिंक 5 ही रहने देंगे, और इसके की फ्रेम्स को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर पीछे कर देंगे, और इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी थोड़ा सा पीछे कर देंगे, और इसकी ट्रांसपेरेंसी को 1 सेकंड पर या उस टाइम पर जहाँ पर आपका लोगो मींस के जब आप एक्शन सेफ टाइटल यहाँ से लाएंगे, तो मैं आपको बताया था यहाँ से आप लोग एक्शन सेफ टाइटल को ला के देख सकते हैं, जब आपका लोगो थोड़ा छोटा हो इस सेफ टाइटल के अंदर आ जाए तब या उस टाइम तकरीबन आपने फिर यहाँ पर एक फ्लैश सा देना है जो कि होता है 1 सेकंड से 150, यहाँ पर आपने इसकी ओपेसिटी को 90 कर देना है, और इसका जो है मीन्स इसका
जो थ्रेशोल्ड है इसे फिर यहाँ पर 10 हीट कर देना है और इसकी फिर ट्रांसपेरेंसी को 0 और शुरू में भी इसकी ट्रांसपेरेंसी को 0। तो यहाँ पर एक जस्ट एक फ्लैश आएगा अगर मैं इसे सोलो करके आपको प्ले करके दिखाऊँ तो ये मतलब कि थोड़ा ग्लो ये दे सकते हैं। ओके तो ये जस्ट ऐसा होगा और हम इसकी प्रॉपर्टी इसका जो वो है ब्लेंडिंग मोड उसे ऐड कर देंगे जाके ये थोड़ा ज़्यादा ग्लो ही लगे और इसकी जो यहाँ से अमाउंट है इसे भी ग्लो कम कर देंगे। असल में अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है तो मैं इसे फ़िलहाल 35 कर दूँगा या आप लोग जस्ट हाइड भी कर सकते हैं मैं इसे 25 कर दें ताकि हमें ये जो ग्लो है ये सिर्फ ये जो लोगो है मेन उस पर ग्लो आए ये जो पीछे वेव्स आ रही हैं इसके ऊपर हमें कोई ज़्यादा ब्लास्ट नहीं चाहिए। तो यहाँ से भी इसे आप 80 के बजाय 60 कर दें तो आई थिंक ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जो हमारा यहाँ पर आएगा और यहाँ पर थोड़ा सा फीका फीका है मतलब कि कोई इतना ज़्यादा ग्लो नहीं लग रहा तो अगर आप यहाँ से भी थोड़ा सॉरी तो अगर आप यहाँ से भी थोड़ा ज़्यादा शाइनी सी ओपनिंग करना चाहते हैं तो आप लोग एडजस्टमेंट लेयर पर एक इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं जिसका नाम है एक्सपोजर और 1 सेकेंड पर आके या 1 सेकेंड और 15 फ्रेम्स पर आके इसके ऊपर आप लोग इसका जो है एक्सपोजर के ऊपर की फ्रेम कर दें और ये प्रेस करके 0 फ्रेम्स पर इस पर 2 या 3 कर दें लेकिन 2 करें तो ओके रहेगा 3 तो काफ़ी ज़्यादा वो हो जाएगा। और इसको भी आप लोग सेम इसी तरीके से इसकी ग्राफ को कर सकते हैं ये फ्रेम्स को सेलेक्ट करके यूज़ करके तो शुरू में काफ़ी ज़्यादा वाइट होगा लेकिन हमें ग्राफ को थोड़ा सा स्लो करना होगा ताकि ये थोड़ा स्लो हो तो ओके नाइस वेरी नाइस। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि वो यहाँ पर 1 से लेकर 2 सेकंड तक यहाँ पर एक ग्लो के शाइन भी आ रही है और आप इसको थोड़ा सा आगे भी कर सकते हैं जस्ट ये जो की फ्रेम से इसे थोड़ा सा आगे करने मीन्स तो इस तरीके से तो यस जब ये थोड़ा और छोटा रह जाए तब आप लोग इसे करें तब भी आपके लिए सही रहेगा तो ओके है। और उसके बाद हम लोग कुछ और इफेक्ट्स हैं जो हमने अप्लाई करने हैं जैसे कि अभी हमारी लाइट रहती है और यहाँ पर टेल लाइन रहती है तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट पार्ट के लिए नहीं बोलूँगा तो इसी बात पर हम लोग सब करेंगे। और अभी मुझे याद नहीं आ रहा हमने करना क्या है तो सबसे पहले हम लोग एक फेड आउट का काम कर लेते हैं। हमने एक ब्लैक सॉलिड लेयर ले लेनी है 7 सेकंड पर आके इसे ट्रिम कर लेना है ऑल्ट और ओ लेफ्ट ब्रैकेट की मदद से और इसकी ट्रांसपेरेंसी को की फ्रेम करके की फ्रेम को एन पे कर देना है और यहाँ पर इसे 0 कर देना है तो होगा ये इसे हम F4 रख देंगे फेड आउट। तो अभी यहाँ से जस्ट थोड़ा ब्लैक हो जाएगी और ये जो हमारा शेडो है ये काफ़ी ज़्यादा हमें ब्लैक लग रहा है तो इसे हम लोग 50 कर देंगे ताकि हमें इतना ज़्यादा ब्लैक शेडो नहीं चाहिए तो ओके है फिलहाल के लिए ये काम। तो अभी हम लोग एक स्पॉट लाइट क्रिएट कर लेंगे लाइट क्लिक ब्लू लाइट इसे हम लोग स्पॉट लाइट कलर इसका वाइट क्लिक और ओके कर देंगे फिलहाल। तो हमारी लाइट कुछ इस तरीके से है और हम अभी इसे लाइट पर प्रिफ्रेंड करेंगे जो कि हमारा मेन काम है तो इसे भी हम लोग एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर कर देंगे या नीचे कर देंगे इसी में तो हम लोग इसकी पोजीशन के ऊपर एक की फ्रेम करेंगे और कस्टम व्यू पे चले जाएंगे 1 कैमरा से कस्टम व्यू पे। तो फिलहाल आप लोग जस्ट रिप्रेस करके कस्टम व्यू को देख सकते हैं और यहाँ पर हम इसे की फ्रेम कर देंगे थोड़ा सा इसके आगे आगे देख सकते हैं कि हमारा सीन अभी मेन यहाँ पर इस तरीके से है। कस्टम व्यू को मैं थोड़ा सही करूँ तो हमें ये दिखेगा कस्टम व्यू को हमें लाइट चाहिए थोड़ी सी मीन्स के यहाँ से लेकर मीन्स पहला की फ्रेम यहाँ पर हो और दूसरा हमारी लाइट फिर यहाँ से होकर कुछ इस तरीके से आए यहाँ पे और इसे थोड़ा हम जूम आउट भी कर देंगे फिर इसके ये जो पॉइंट है इसे हम लोग यहाँ पर कर देंगे तो हम एक्टिव कैमरा में आएंगे तो हमें दिखेगा कि हमने लाइट के साथ किया क्या है। तो लाइट के साथ कोई ख़ास आई थिंक काम मतलब वह नहीं है काम तो हम इसकी जब लाइट को सिलेक्ट करके की प्रेस करेंगे तो इसकी इंटेंसिटी आ जाएगी तो हम लोग इसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं लेकिन ये हमारे पास लाइट की लेयर पे काम नहीं कर रहे हैं ये हमारे पास लोगों पे काम कर रहे हैं जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हम लोग जस्ट ये लोगों वाली तीनों लेयर्स को सेलेक्ट करके इसके ऊपर
ये अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसकी लाइट्स के ऑप्शन आ जाएंगे, मटेरियल ऑप्शन, तो हमने इसकी जो ये एक्सेप्ट लाइट्स है इसे ऑफ कर देना है। तो जब आपके पास आपने सारी लेयर सेलेक्ट होंगी तो ऑटोमेटिक सारों के ऊपर सारों की ऑफ हो जाएगी। तो अगर अब हम टी प्रेस करेंगे तो इसकी इंटेंसिटी कुछ नहीं दिखा रही, तो यही हमें चाहिए। सॉरी इस कुत्ते की, सच में बस गाली देने का दिल करता है लेकिन मैं नहीं देता, ठीक है कुत्ते के वजह से इग्नोर हिम। तो थोड़ा सा वेट करेंगे और फिर आऊँगा, फिर आपको ये थोड़ा बताऊँगा इसी ट्यूटोरियल में। टेंशन ना लो, मैं आ रहा हूँ धोने की। तो वो कुत्ते ने आखिरी मरतबा भोंका, उसके बाद उसने अभी तक नहीं भोंका, तो मैंने वापस स्टार्ट कर लिया। तो अभी हम लोग लाइट के लिए करेंगे हमारे बैकग्राउंड को, तो जो हमारे बैकग्राउंड है तीनों, इनको 3D, तो इनको 3D करने से होगा कि ये लाइट हमारे बैकग्राउंड के ऊपर काम करेगी। तो इसके हम लोग अभी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं लेकिन 200 तक, सॉरी ओके ही। आप लोग देख लें कि आपको जैसा सही लगे आप लोग वैसे कर सकते हैं। मैं इन 3D इसको कर देता हूँ, तो अभी हमें पता लगेगा कि हमने लाइट के साथ किया क्या है। तो ओके ही हमारा अभी, मतलब हमारी अभी बैकग्राउंड के साथ एनिमेशन भी आ रही है, तो ये भी अभी मतलब हमारे बैकग्राउंड की 3D हो गए, तो ये काफ़ी सही हो गया है काम। तो हमारी अभी लाइट भी आ रही है, तो अभी मतलब अभी हमारा थोड़ा बैकग्राउंड में इशू हो जाएगा कि हमारे बैकग्राउंड एंड में जाके थोड़े छोटे हो जाएंगे। तो उसके लिए जस्ट हम इन चीज़ों को सेलेक्ट करके इनके स्केल को थोड़ा बड़ा कर देंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, तो हमारा इफेक्ट वापस वैसा ही हो जाएगा। तो उसके बाद हम इसकी AA में आके इसके कोन, एंगल और फेजर को हम लोग थोड़ा देख सकते हैं कि जितना हमको आप लोग करना चाहें इसे कोन एंगल छोटा बड़ा, लेकिन आई थिंक ये डिफॉल्ट जो है यहाँ पर मेरे इसके लिए सही है। आप लोग अदरवाइज इस लाइट की प्रॉपर्टी के साथ प्ले कर सकते हैं, और इसके कलर में थोड़ा सा ब्लूइश कर देंगे जो कि मेरे प्रीव्यू में दिख रहा था, और या फिर अदरवाइज गोल्ड ही, लाइक गोल्ड। तो आप खुद इसका कलर भी फिर दे सकते हैं अपने बैकग्राउंड को इस तरीके से आसानी से। और इसके बाद अभी हम इसके ऊपर एक विनियट अप्लाई करेंगे, जो है कंट्रोल वाई से हम लोग एक न्यू ब्लैक सॉलिड अप्लाई कर देंगे, इसका नाम मैं जस्ट वी रख दूंगा। तो विनियट के लिए हम यहाँ से इलिप्स टूल सेलेक्ट करके डबल क्लिक करेंगे, और इसे हम लोग इन्वर्ट करके इसका फेदर है उसे हम लोग 500 कर देंगे। तो हमारे पास ये विनियट हो जाएगा, लेकिन अभी हम इसे थोड़ा स्केल इसका बड़ा कर देंगे लाइक इस तरीके से, इस तरीके से। तो हमें अभी इसकी ट्रांसपेरेंसी भी कम कर देंगे लाइक 50 या 75% लेकर रहेगी, और इसका जो फेदर है उसे हम लोग 350 कर देंगे, 350। तो ओके से विनियट भी हमारा अप्लाई हो गया यहाँ पे, तो विनियट ओके लग रहा है। तो ओके से विनियट भी, तो विनियट भी हमने अप्लाई करना था, और उसके बाद हमें एक कलर कलेक्शन भी देनी होगी, जिसके लिए हम लोग एक और कंट्रोल ओल्ट और वाई की मदद से एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई करेंगे, और इसे हम लोग, तो आपने ये रखना है याद कि फेड आउट के लिए सबसे ऊपर हो, इसे लॉक कर देंगे हम। यहाँ पर हम लोग एक कर्व एडजस्टमेंट अप्लाई कर लेंगे, सबसे पहले कर्व्स को थोड़ा सा इस टाइप बना लेंगे, अदरवाइज अगर हमारे को मतलब जो मेरा मैंने प्रीव्यू बनाया था उसमें थोड़ी कलर कलेक्शन की ज़रूरत, लेकिन इसमें ऑलरेडी डन ही सारा काम, तो मैं इसे इतना ज़्यादा नहीं करूँगी, जस्ट आपको बताने के लिए। आप लोग कलर कलेक्शन अप्लाई कर सकते हैं, और इसके ऊपर एक शार्पन इफेक्ट अप्लाई करना था, लेकिन ये ऑलरेडी शार्प है, लेकिन आप ये शार्पन इफेक्ट अप्लाई करके इसे फाइव कर सकते हैं, और इसका हम लोग नाम कर देंगे CC मीन्स कलर कलेक्शन। से काफ़ी इससे भी फ़र्क पड़ रहा है हमारे बैकग्राउंड से, हमारी इन्वायरमेंट से। तो मैं ये जो है हमारा लाइट, इसका मैं कलर यहाँ से थोड़ा सा ब्लू करूँगा, क्योंकि मुझे ब्लू सही लग रहा था, तो मैंने ब्लू कर दिया, लेकिन आई थिंक ऑरेंज भी ओके लग रहा था। ऑरेंज को भी हम ज़्यादातर वाइट ही कर देंगे, तो वाइट इज़ बेटर देन ऑरेंज, तो ओके है। तो लेकिन अभी बैकग्राउंड में थोड़ा सा इशू है, मतलब सेम नहीं है जैसे कि हमारा मेन था, जैसे इसमें ब्लू इस बैकग्राउंड है, डार्क ब्लू है, तो आप इसे डार्क भी कर सकते हैं, जैसे इसकी इसका जो ये है इसे थोड़ा सा डार्क करने के जितना ये डार्क हो जाएगा, अगर आप इसे इस यहाँ पे कर दें तो ये डार्क हो जाएगा। तो आप जैसे इसका कलर चेंज करके इसके बैकग्राउंड का कलर यहाँ से चेंज हो जाएगा, और उसके बाद जो हमारा मेन रहेगा वो एक तो रहेगा हमारी टैगलाइन, तो आपने जस्ट लोगो चेंज के कॉम्पोजिशन में आ जाना है,
और यहाँ पर लोगो चेंज हमारा कहाँ पर गया, लोगो एडिट जहाँ पर हम लोग लोगो एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपने जस्ट टेक्स्ट टाइप कर देना, तो ये वाले टेक्स्ट को हम नहीं एडिट करेंगे, हम एक न्यू टेक्स्ट टाइप करेंगे। फिर मैं जस्ट ये वाले टेक्स्ट को कॉपी कर लेंगे ताकि थोड़ा टाइम और हमारा बच जाए। और आपने इसे 3 सेकेंड और 15 फ्रेम पर ट्रिम कर देना है, और कोई भी टेक्स्ट एनिमेशन प्रीसेट अप्लाई कर देनी है। तो मैं इस एनिमेशन को डिलीट कर दूँगा, ये बाउंस एनिमेशन प्रीसेट थी। तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता कॉमेंट में मुझे बता देना, मैं इसको कभी ट्यूटोरियल बनाऊँगा। टेक्स्ट बाउंस एनिमेशन काफ़ी अच्छी एनिमेशन होती है। तो आपने स्केल यहाँ से एनिमेशन की टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज में आकर मैं इसका पहले साइज थोड़ा बड़ा करूँ और इसे प्रॉपर पोजिशन दूँ जहाँ पर मैं इसे देना चाहता हूँ। तो ओके ही, और इसका कंट्रोल ऑल्ट की होम की बीच से हम इसे सेंटर में करके अभी हम लोग इसे इसके ऊपर एक एनिमेट के बटन आपको यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ से आप स्केल क्लिक करेंगे तो आपके पास एनिमेटर वन आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये एड का बटन आपको दिख जाएगा, यहाँ से हम एक पोजिशन भी अप्लाई कर देंगे। तो हम इसकी पोजिशन को लाइक 50 कर देंगे और इसके स्केल को 0 कर देंगे। और यहाँ से एड से हम लोग ट्रांसपेरेंसी भी एड ओपेसिटी भी एड कर देंगे और इसे हम लोग 0 कर देंगे, जिसे 60 कर देंगे पोजिशन को। तो आपने जस्ट अभी ये रेंज सेलेक्टर जो है इसके अंदर आके इसकी ये जो स्टार है इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और आपने 1 सेकेंड या 5 सेकेंड तक आके इसे 100 कर देना है। और अभी आपके पास ये 2 की फ्रेम्स आ जाएंगे, उन्हें आपने फिर 9 प्रेस करके ईजी यूज़ करके इनके ग्राफ के साथ ऐसे करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। तो ओके, लेकिन ये काफ़ी फास्ट है, तो इसे हम लोग 6 सेकेंड तक करके देखते हैं। ओके, मुझे लग रहा है कि बात जिस आपके पास अभी ये टेक्स्ट आ गया, तो अभी हमें इसके लिए कोई और ख़ास मतलब कि कंपोजिशन प्री कॉम्स की ज़रूरत नहीं होगी। जब हम हमारे मेन कॉम्प में आएंगे तो वहाँ पे हमारे को हमारा लोगो भी नज़र आ जाएगा। तो अभी मैं इसे फिल कर देता हूँ ताकि हमें ये दिख जाए ये कि ये कैसा है। तो आई थिंक ओके प्रेटी वेल हो गया है ट्यूटोरियल। तो मैं मेन कंपोजिशन में आकर देखूँ तो हमें और कोई चीज़ कोई इफेक्ट अप्लाई तो नहीं करना था, तो जस्ट एक फिल्टर अप्लाई करना था जिसका मैं आपको बताना भूल गया, जिससे थोड़ी इन्वायरमेंट कलर हो जाता है। तो मैं आपने जस्ट एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेनी है और इसका आपने ओवरले कर देना है। मोड जो है ब्लेंडिंग मोड, इसका आपने ओवरले करके इसके ऊपर एक फिल इफेक्ट अप्लाई करके इसका हम कलर अभी यहाँ से स्काई कर देंगे और इसकी ट्रांसपेरेंसी को 10% कर देंगे। तो इससे होगा ये, लेकिन हम इसे मतलब कि स्काई ब्लू नहीं और ब्लैक गोल्ड कलर करेंगे ताकि हमारा ये जो फिल्टर आए वो गोल्ड की तरह। तो आप लोग देख सकते हैं ये जस्ट एजा थी तो मैंने कर दी, अदरवाइज आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी करेंगे तो कोई इससे ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो आई होप आपको ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। और ये जो यहाँ पर काफ़ी ब्राइट सा रिफ्लेक्शन आ रहा है, इसके लिए आप लोग जस्ट हमारा जो लोगो बम्प वाला कॉम्प नहीं लोगो एनिमेशन वाला जो कॉम्प है इसकी जो स्केच की वैल्यू है इससे कम कर सकते हैं लाइक 75। जब हमारे मेन कंपोजिशन में आएंगे तो यहाँ पर थोड़ा कम ब्राइट होगा। तो अगर ज़्यादा ही आपको गोल्ड लग रहा है तो आप इसे कम कर सकते हैं। और अगर आपको रिफ्लेक्शन के साथ कोई मसला है, जैसे काफ़ी ब्राइट रिफ्लेक्शन आपको लग रहा है, तो मुझे भी थोड़ा बहुत ही काफ़ी ब्राइट लग रहा है, तो मैं अपनी सभी से देखता हूँ। सॉरी यार, मेरा पीसी भी थोड़ा मतलब हमने इतने इफेक्ट अप्लाई किए थोड़ा तो अभी ये करेगा हाई हैवी लोड लेगा रेंडर करने में फुल फ्रेम। तो यहाँ पर आपने अगर ये आपको लग जाए तो आपने जस्ट रिफ्लेक्शन वाले कंपोजिशन में आके इसकी ट्रांसपेरेंसी जो हमने 25 की थी इसे 15 कर सकते हैं। जब हम मेन कंपोजिशन में आएंगे तो ये हमारे पास डाउन हो जाएगा। तो इसका उसी में आप लोग देख के प्ले कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग अपना लगाएं, अपना दिमाग चलाएं, तो ताकि आपके पास अच्छा रिजल्ट आए। तो हम लोग अभी एक और एंड में आपको मैं बता देता हूँ कि जो इनिशियल ब्लाइंड की डायरेक्शन है इसके ऊपर हमें की फ्रेम कर देंगे। और हमने जो ये की फ्रेम किया था लाइट की डायरेक्शन के ऊपर लाइट की पोजिशन के ऊपर 6 सेकेंड तक, तो हम लोग यही सेम की फ्रेम एक यहाँ पर करेंगे और इसे 45 से रोटेट करके इनिशियल प्लान को इतना ज़्यादा भी नहीं करेंगे, मीन्स कि हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर ऐसे
मतलब जब लाइट घूमेगी तो उसके साथ अगर आप इसे भी घुमा देंगे मीन्स 90 तक कर दें, 90 या फिर 100 कर दें तो होगा ये, तो ऐसा लगेगा कि लाइट के साथ साथ ये हमारा जो बैकग्राउंड है इसकी ये लाइट भी घूम रही है, तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा। और शुरू में अगर आप इसे मीन्स के शुरू में आप इसे F9 ईजी यूज़ करके थोड़ा सा शुरू में ज़्यादा कर दें तो उससे और भी अच्छा रहेगा, मीन्स के शुरू में एक हाई प्रो और उसके बाद फिर स्लो स्लो होता रहे तो वो भी इफेक्ट काफ़ी अच्छा लगेगा। तो यहाँ तक हमारी एनिमेशन डन होगी, एक रेंट्री भी लेते हैं और देखते हैं कि कैसी बनी है एनिमेशन फाइनल, अगर कोई चीज़ रह गई होगी तो उसे भी कवर करके जाएंगे। तो रेंट्री भी कंप्लीट हो गया है और काफ़ी अच्छी एनिमेशन है और काफ़ी ही गुड लग रही है मुझे तो। बाकी 100% प्रीव्यू से भी नहीं मिलती लेकिन उससे अलग है थोड़ी, लेकिन काफ़ी अच्छी है। आई होप आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा और आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा कि ये टेम्पलेट कैसे बनती है, और काफ़ी आप कुछ आपको इफ़ेक्ट्स के बारे में नहीं पता लगा होगा। और अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर, आपने पहले मेरे कोई ट्यूटोरियल नहीं देखे वीडियो है उसके टेम्पलेट रिक्रिएटिंग के, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि जाकर देखें, तो आपको काफ़ी नए आइडियाज़, काफ़ी नए इफ़ेक्ट्स के बारे में, काफ़ी नई टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में पता लगेगा। तो जो अभी एक चीज़ मुझे इसमें थोड़ा सा मसला कह रही है वो जस्ट इसका ये जो है हमारा यहाँ पर ये जो लोगो है ये काफ़ी मतलब फ्लैट है, थोड़ा बबली सा नहीं हुआ, जैसे कि हमारा ये मेन था आई थिंक ये थोड़ा सा बबली हो गया है यहाँ पर, तो ये थोड़ा बबली नहीं हुआ जिसकी सिर्फ ये वजह यहाँ पर ये जो हमारा सीसी ये इफेक्ट था तो यही थी। तो आप इसके मदद से इसे कर सकते हैं जो आप करना चाहें, तो यही मेन इफेक्ट है जो इसके बबली बनाते हैं, ये दो इफेक्ट इनके साथ आप लोग प्ले करें तो आपको जो सेटिंग आपको मतलब पे सही आएगी आप लोग उसे करके इसे बबली बना सकते हैं। मैं ऐसे में अगर इसे खाटी खाटी कर दूँ तो शायद ये बबली बन जाए, लेकिन नहीं बन रहा, तो आप लोग जस्ट इन सेटिंग्स के साथ प्ले कर सकते हैं तो आपको कुछ पता भी लगेगा कि ये बबली कैसे बनेंगे और आप लोगों को फिर समझ भी आएगी इसके बारे में। तो उम्मीद है ये सेटिंग से मतलब कि बबली थोड़ा सा उसे बबली उसे बोलेंगे जो भी, लेकिन थोड़ा सा वैसा लुक लाने के लिए आपको इन इफेक्ट्स के साथ प्ले करना होगा और वह आप लोग अगर खुद करेंगे तो वो फिर काफ़ी बेटर रहेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो मैं जस्ट रीसेट कर देता हूँ ताकि मेरा जो ये रैम प्रीव्यू है वो मुझे वापस मिल जाए, रेंडर हुआ हुआ लेकिन आई थिंक मुझे नहीं मिलने वाला, जिसे हाफ कर देता हूँ। तो आई होप आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, अगर सीखा है तो हक है सब्सक्राइब करने का, तो उसे किए बगैर आप लोग जा नहीं सकते, अगर चले गए तो वापस आ नहीं सकते, आ सकते हैं लेकिन अगर चले गए तो बहुत ही ज़्यादा बुरा नहीं होगा, फिर कुछ भी नहीं होगा, अगर सब्सक्राइब करने कुछ भी नहीं होगा, नॉट अ बिग डील। और बस आज के लिए इतना ही था, लेकिन फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी और टॉपिक के साथ। उससे पहले आपको एक और चीज़ बता दूँ जो कि मुझे अभी जाते जाते याद होगी, जो लोग यहाँ तक अभी देख रहे हैं तो वो लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठा लेंगे जो कि हमारा है लोगो शेड वाला, तो इसका भी मुझे याद आ गया, तो इसके मुझे जो थोड़ा पॉइंटर है इसे ऊपर कर देंगे ताकि ये ऐसा लगे कि ऊपर से शेडो आ रहा है लाइट, और इसके हम लोग इसके ऊपर हम लोग की फ्रेम भी कर सकते हैं, इसकी जो ये सेंटर है इसके ऊपर हम लोग की फ्रेम कर देंगे और फर्स्ट फ्रेम पर इसको थोड़ा सा इस तरफ कर देंगे क्योंकि हमारी लाइट फर्स्ट फ्रेम पे ऐसे थी और सिक्स सेकेंड पर हमारी लाइट कुछ इस तरीके से इस तरफ आ रही थी और वो कुछ यहाँ से आ रही थी, तो जस्ट आपके माइंड में थोड़ा सा वो होना चाहिए, तो यहाँ पर इसका शेडो कुछ इस तरीके से होगा। तो ओके है, तो ये जो लोगो है इसकी ट्रांसपेरेंसी आप लोग फिर से 75 कर सकते हैं अगर करना चाहें तो ओके, क्योंकि अगर थोड़ा ज़्यादा शेडो लगेगा तो थोड़ा ज़्यादा 3D लगेगा। तो आई होप कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा, तो लाइक करना मत भूलिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो मैं ज़रूर उसे कवर करूँगा। और मेरे चैनल पर अभी और भी ट्यूटोरियल आएंगे प्रीमियर प्रो के, तो अगर आप प्रीमियर प्रो चलाना सीखना चाहते, चलाने के तो नहीं, उसमें भी एनिमेशन और ट्रांजिशन वगैरह के ट्यूटोरियल आएंगे, तो सब्सक्राइब करके काफ़ी अच्छा कुछ आएगा इस चैनल पर फ्यूचर में, क्या डेली बेसिस पे आएगा, तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें यार, उस पर भी मैं आने की सोचता हूँ, लेकिन फॉलोवर जितने हैं कि मुझे
पता ही नहीं क्या करूँ आपको तो आई थिंक पता नहीं कोई बातें भी सुनता है लेकिन नहीं सुनता लेकिन कभी तो सुनेगा फिर आप फॉलो कर दें सब्सक्राइब कर दें लाइक कर दें मैं जिसमें भी बोलूँगा मिलूंगा किसी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बाय बाय। फेसबुक पेज को फॉलो करो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर ज़्यादा मकबरी करनी है तो इंस्टाग्राम को फॉलो करके